आपके पास अगर इंडियन लाइसेंस होगा तो आप 3 महीने तक गाड़ी आराम से चला सकते हैं। ब्यूटीफुल कियारा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। वेलकम बैक टू अवर अनदर ब्लॉग्स। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से, और आज मौसम हो रहा है कुछ ऐसा। आज धूप है बहुत यहाँ। वैसे भी मौसम हर घंटे में चेंज होता रहता है। अभी धूप है, अभी थोड़ी देर में क्लाउडी हो जाता है, थोड़ी देर में बारिश आ जाती है। क्या देख, इधर देखो। और अन्नी स्कूल जा चुकी है। अन्नी लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, वो लोग ब्रेकफास्ट चले गए और मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। कियारा का ब्रेकफास्ट बन रहा है, और कियारा का ब्रेकफास्ट बनता है फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, और इनको ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद अपना रिलेटिव अपना झाड़ू पोछा करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। कियारा ने नहा लिया है अभी। कियारा ने नाई नाई कर ली है ना। अभी कियारा ब्रेकफास्ट करेगी। कियारा ने नाई नाई कर ली, अब कियारा करेगी ब्रेकफास्ट। कियारा को जल्दी से कपड़े वपड़े पहना देते हैं हम। आ जाना मेरा कूड़ा, यह कूड़ा, यह दूध का डिब्बा, उसको मैं रखती हूँ बाहर, और इनको कूड़े को रखती हूँ। हमारा लेट हो गया है, अभी कूड़े गाड़ के आए तो नहीं है, फटाफट रख देती इसलिए बाहर। हाँ नहीं आई, अभी रखती हूँ जल्दी से बाहर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है इसमें सारा रिसाइकिल वाला कूड़ा, और इसमें रखी है मैंने सारी घास। घास तो चली गई, अब ये खाली मेरे को रिसाइकिल वाला रखना है बाहर। तो फ्रेंड्स से रख दिया मैंने बाहर कूड़ा, सामने लगा रखा है सब। यह साइड में भी ग्रीन वाला गया नहीं है साइड, बट कोई नहीं, मैंने रख दिया बाहर कूड़ा। कूड़ा रख दिया और बाहर आऊँ अपने गार्डन ना जाऊँ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मैं बाहर आती हूँ, एक चक्कर अपने गार्डन में ज़रूर जा के आती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है अपने गार्डन को देखना, भले ही उसमें कुछ ना हो रखा हो, पर मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। आप भी देख लो, मीठे करेले के पेड़ हो रहे हैं, ये वाले, ये बाकुले के पेड़। अब इनमें लगने वाले नहीं हैं, अब इनको सब निकालना है आज शाम को, इनको निकालना है। ये इधर मेथी हो रही है, ये भी निकालनी है सारी, थोड़ी मैंने निकाल दी इधर, और इधर थोड़ा सा और निकालनी है सब। फिर इसको पूरा खोद के इसमें लगेगी ये मिर्च, मेरी मिर्च देखो कितनी अच्छी हो रखी है, मिर्च के पेड़ ये लगाने हैं इसमें। तो चलो अब चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स, बना दिया मैंने अपना कढ़ी, और वहाँ बन रहे मेरे चावल, कढ़ी चावल बना रहे। तो मैं सोचा थोड़ा हरी सब्जी, अब मैं जाती हूँ अपने गार्डन में, वहाँ से लेके आती हूँ। तो फ्रेंड, ये हो रही मेरी हरी सब्जी, इसको तोड़ती हूँ फिर बनाते हैं इसकी सब्जी। ये ले आई मैं हरी सब्जी तोड़ के, और देखो मेरा बीटरूट कितना अच्छा हो रहा है। ये हो रहा है मेरा बीटरूट, इसका सैलेड बनाएंगे और उसकी हरी सब्जी बनाते हैं। कियारा भी उठ गई, मैंने खाना बनाया जैसे वैसे कियारा भी उठ गई। मैंने इसके बाल बाल बना दिए, देखो बाल बनाए पर उसने वैसे कर दिए, और पीछे पड़े हैं कपड़े, ये मेरे को फोल्ड करने हैं। आधे मैंने इधर फोल्ड करके रख दिए हैं, और आधे मेरे को इधर फोल्ड करने और हैं। अभी तो बहुत सारे कपड़े हैं फोल्ड करने, पर अभी तो फिलहाल इतने ही करूँगी। और कियारा की चलती रहेगी मस्ती। देखो फ्रेंड्स, इसके नखरे देखो, कियारा के नखरे वाली लड़की, मेरी लकड़ी लकड़ी लड़की। तू लड़की है कि लकड़ी है? लकड़ी ना, ये खबर होगी नखरे करेगी नखरे, नो ड्रामा ड्रामा नो। ओ बाबरे, नाराज हो गई मुझसे? तू मुझसे सैड हो गई ना? कपड़ा खाता कोई? ओ यार, मेरी बेटी गुस्सा हो जा रही मुझसे। गुस्सा नहीं होते बाबू, कुछ नहीं होते, पर कपड़ा भी नहीं खाते, कपड़ा भी नहीं खाते, कपड़ा नहीं खाते ना, गंदी बात होती है। खाना खाते हैं, भूख लगी खाना खाएगी। हाँ
ये ड्रामे बाज है, इसका ड्रामा चलते रहेंगे। ये ड्रामे बाज है, मैं ड्रामे बाज। देखो फ्रेंड्स, क्यारा को पहनना है चश्मा। क्यारा को पहना है चश्मा, ले ले क्यारा का चश्मा। कहती मुझे चश्मा पहनाओ। क्यारा ओ वाओ, ब्यूटीफुल क्यारा। तो फ्रेंड्स, अन्नी को स्कूल लेके आ गए हैं। हेलो बोलो अन्नी। हेलो गाइस। अब बताओ हमारा आज का स्कूल का दिन कैसा रहा? गुड। तो अन्नी बैठ रही है अब कार में। बैठ जा। मम्मी, तुम्हें आईफोन लेके आए? नहीं। अन्नी, तुम्हारे स्कूल में कैसा रहा आपका दिन? अच्छा। अच्छा रहा? आज तुमने क्या सीखा? Santa Claus is coming to town. अब यहाँ से आगे ब्लॉग अन्नी बनाएगी थोड़ा सा, और मैं चलाती हूँ कारी। चलो मैं चलाती हूँ कारी। मम्मी वो देखो। हेलो गाइस, मम्मी ड्राइव कर रही है। मेरे को देखो, मम्मी को मैं लिटिल मैप ले लेती हूँ। फ्रेंड्स, स्कूल से आके अन्ने लंच वंच कर लिया, और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ ड्राइविंग के बारे में। कोई भी फ्रेंड्स अगर कोई भी यहाँ अगर ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है, कोई आना चाह रहा है या फिर कोई आ रहा है, तो प्लीज़ आप ना अपना लाइसेंस इंडिया से लेके आए, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर। और बिना गाड़ी के यहाँ पर कुछ भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। बिना गाड़ी के यहाँ कुछ नहीं होता है। और अगर आप कोई भी आ रहे हो, और तो उसके लिए आप अपना वहाँ पर ड्राइविंग सीख के भी आएँ और ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके आएँ। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, इसका आपका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। उससे क्या होगा, आप यहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करा सकते हैं ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस में। और जब आप आते हैं तो आपके पास अगर इंडियन लाइसेंस होगा, तो आप 3 महीने तक गाड़ी आराम से चला सकते हैं इंडियन लाइसेंस पे। और सपोज़ अगर आप नहीं लेके आते हैं इंडियन लाइसेंस, और आप यहाँ आके अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ बिना लाइसेंस के, बिना गाड़ी के यहाँ सर्वाइव करना कुछ भी, चाहे जॉब करो या फिर कुछ भी करो, तो बिना गाड़ी के यहाँ पर कुछ भी करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल बहुत ज़्यादा यहाँ पर, ये टैक्सी वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसलिए अगर आप खुद अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके आओगे, तो आपके लिए बहुत प्रॉफिट होगा। अगर आप यहाँ आके ड्राइविंग, तो उसमें आपको बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। फिर हमारी इंडिया की तरह नहीं होता कि अभी तुमने टेस्ट दिया और तुम्हारे 3 महीने में तुम फिर फुल लाइसेंस के लिए टेस्ट दे दो। ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर अगर तुम आओगे, पहले तुमको अपना टेस्ट देना पड़ेगा। उसमें यहाँ के सारे रूल रेगुलेशन वगैरह जो भी होता है, वो सारे तुम क्वेश्चन होंगे उसमें। उसके बाद तुमको हैजर्ड टेस्ट देना पड़ेगा। हैजर्ड टेस्ट में क्या होता है, उसमें सारे गाड़ी का होता है, तुमको एक तरफ में गाड़ी उसमें गाड़ी का होता है कि कहाँ से तुमको टर्न करना है, कहाँ तुमको स्टॉप करना है, कहाँ पर तुमको
कहाँ से तुमको मतलब ऐसे बैंड करना होगा, उसमें वही चीज़ें सब तुमसे गाड़ी चला मतलब चलवा था, तुमको बस उसमें टर्न करना होता है उस टाइम पर, तुमको वहाँ पे वो करना पड़ेगा, एक हैज़र्ड टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद अगर तुम्हारा टेस्ट क्लियर हो गया तब तुमको वहाँ से क्लाइंट आईडी मिलेगी, देन क्लाइंट आईडी मिलने के बाद उसके बाद तुम्हारा वो होगा क्लाइंट आईडी मिलेगी, देन तुम यहाँ पे पी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तब तुम टेस्ट दोगे, देन तुमको पी लाइसेंस मिलेगा, और पी मिलने उस जब तुम्हारा टेस्ट क्लियर होगा देन तुमको पी मिलेगा, और एक साल तुम्हारा पी पे रेड पी मिलेगा तुमको, देन उसके बाद तुम्हारा ग्रीन पी रहेगा एक साल के लिए, उसके बाद तुम्हारा फुल लाइसेंस आएगा। मतलब ये मान के चलो तो 3 साल का पूरा 2-3 साल का प्रोसेस है तुमको फुल लाइसेंस आने में। और यहाँ पर एक मिनट बेटा, तो क्या कहते हैं, और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो कहें जॉब नहीं मिली तो आप टैक्सी भी चला सकते हैं, तो टैक्सी चलाने के लिए तुमको लाइसेंस चाहिए, तो 3 साल वेट करना बहुत मतलब यहाँ पर बहुत टफ पड़ जाता है ये चीज़ें। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप लाइसेंस लेते ही लेके आएं अपने साथ, और वो कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 महीने तुम आराम से, अगर तुम्हारे पास इंडियन लाइसेंस है तो 3 महीने आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं, उसके बाद तुम अपने लाइसेंस को कन्वर्ट करवा सकते हैं। कन्वर्ट कराने में ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, तुम जाओ, जैसे हम तस्मानिया में रहते तो हम सर्विस तस्मानिया जाएंगे और वहाँ पे अपना लाइसेंस वगैरह देंगे, वो आपको वहाँ से क्लाइंट आईडी देंगे और जाके तुम अपना टेस्ट दो, अगर तुम्हारा पास हो जाता तो तुमको तुम्हारा वो लाइसेंस कन्वर्ट कर देंगे। और टेस्ट पास करना ऑपरेटर बोर्ड टेस्ट लेंगे नहीं, उसके लिए भी तुमको हैज़र्ड टेस्ट एंड प्रैक्ट वो टेस्ट देना जरूरी है, मतलब तुमको यहाँ के जो रूल्स एक कंप्यूटर टेस्ट होता है वो तुम वो भी लेंगे, और हैज़र्ड टेस्ट भी होगा, और देन तुम्हारा पी वो तब देन तुम्हारा तुमको यहाँ से तुम्हारा टेस्ट क्लियर करेंगे। ये चीज़ें हैं, बट प्रोसेस मतलब इतना लंबा टाइम नहीं चलेगा, 3 साल का नहीं चलेगा, जल्दी हो जाएगा, एक मिनट। और एक चीज़ और बोलूँगी, कोई भी अगर ये वीडियोस देख रहे हो तो शेयर जरूर करें, हो सकता है इस वीडियो से किसी की हेल्प हो जाए, किसी कोई आना चाह रहा हो तो क्या पता किसी की हेल्प हो जाए, एक अगर इतने सारी पब्लिक में एक की भी हेल्प हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और अगर आपको आना चाह रहा है कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए किसी चीज़ के बारे में तो आप हम मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, अगर जो हमसे बन रहा है हम ज़रूर आपको गाइड कर सकते हैं। थैंक यू। और ये देखो ये मेरी दोनों बेटियां क्या कर रही है, क्या करती है नी? ये आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं, प्लीज इनके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बिल्कुल ना भूलो है ना क्यारा? देखो क्यारा भी कर रही है, हाय कह दो। हाय। अन्नी ने और क्यारा ने डिनर कर लिया है और क्यारा भी रेडी होगी सोने के लिए और अन्नी भी रेडी हो गई है और अन्नी के मस्ती कर रखी है और क्यारा की भी मस्ती, अभी हम ये सोते समय मस्ती कर रहे हैं। देखो क्यारा भाम लग जाएगी। तो फ्रेंड्स अब इनको मैं सुला देती हूँ क्योंकि कल अन्नी का है स्कूल, तो टाइम से सोना जरूरी है, और ना सुबह अन्नी को सुबह अन्नी उठती नहीं है फिर, इसलिए इनको सुला देते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बाय बाय।